ट्यूटोरियल है. सो ये लुक आई थिंक आप सबको काफ़ी पसंद आएगी. और इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने आज एक न्यू प्रोडक्ट की इस्तेमाल की है. ये मेरी रिसेंट परचेज है. मैंने इस्तेमाल की है लैक्मे 9 to 5 की वेटलेस मूस फाउंडेशन. बस गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. हाँ, वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली हिट करें लाइक बटन को और इस वीडियो को शेयर करें. एंड यस, डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलें. और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बटन को भी प्रेस करें. सो यस, चलते हैं वीडियो में. फर्स्ट मैं इलेक्ट्रिकल मैन लोशन और मेरी फेवरेट फ्लोरस की मॉइस्चराइजर को मिक्स करके लगाऊंगी. सो आज मेरी फेस थोड़ी सी ड्राई लग रही है, इसीलिए मैं इलेक्ट्रिकल मैन के साथ मॉइस्चराइजर को मिक्स करके लगा रही हूँ. लेकिन अगर आपका स्किन टाइप नॉर्मल है देन आप एज अ प्राइमर इलेक्ट्रिकल मैन लोशन को ट्राई कर सकते हो. अगर आप प्राइमर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो देन इलेक्ट्रिकल मैन लोशन एक बेस्ट ऑप्शन है. एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हो एज अ प्राइमर. मैं फील कर रही हूँ मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट लग रही है. सो उसके बाद मैं जो अप्लाई करूँगी एज अ कंसीलर वो है मिस रोज की एम वेट पाउडर इस पैलेट से. ये जो पिगमेंटेड कंसीलर है इस कंसीलर को लूँगी. इस पैलेट में आपको हाइलाइटर, कंसीलर और ब्रॉन्जर तीनों ही मिल जाएगी. बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी अच्छी तरह से. बाद मैं लगाऊंगी न्यू लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मूस फाउंडेशन. और ये छोटी पैकेजिंग है, बड़ा वाला काफ़ी आगे लॉन्च हो गई थी लेकिन ये छोटी वाली जो है ये रिसेंटली लॉन्च हुई है. सो दिस कंटेन 6 ग्राम और इसका प्राइस है 150 रुपीज़. 6 ग्राम के प्राइस है 150 रुपीज़ और मेरी शेड है 01 रोज आइवोरी. ये बहुत एक लाइट वेटेड फाउंडेशन है गाइस, ट्रस्ट मी. और छोटी पैकेजिंग आप ट्राई कर सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली है और पर्स में भी इजीली फिट हो जाएगी. सो मैं कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर ब्रश की मदद आज नहीं लूँगी, मैं फिंगर टिप्स की मदद से ही इसे लगाऊंगी. जब आप इसे अप्लाई करोगे ना तो आपको बिल्कुल ग्रीजी फील नहीं होगी, हैवी फील ऐसी नहीं होगी, बहुत लाइट वेटेड है. आपको पता ही नहीं चलेगी कि आपने एक्चुअली कोई फाउंडेशन लगाई है या नहीं. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट. बहुत स्मूथली ये ब्लेंड हो रही है, बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो रही है. फाउंडेशन कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऑफिस जाते हो तब भी ये फाउंडेशन बेस्ट है आपके लिए. इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल फील नहीं होगी कि आपने कुछ लगाई भी है एक्चुअली. और नेचुरल लुकिंग कवरेज के लिए ये बेस्ट है. सो आई थिंक ये फाउंडेशन कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऑफिस जाते हो तब भी ये फाउंडेशन बेस्ट है आपके लिए. इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल फील नहीं होगी कि आपने कुछ लगाई भी है एक्चुअली. और नेचुरल लुकिंग कवरेज के लिए ये बेस्ट है. उसके बाद मेरे फाउंडेशन को और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं लूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट की ये परफेक्ट रेडी स्किन लाइटनिंग कॉम्पैक्ट. एंड दिस कंटेन एस पी एफ 23 प्रोवाइड करती है ये. और UVA UVB रेस से भी आपको प्रोटेक्ट करेगी. सो मैं एक ब्रश की मदद से इसे अप्लाई करूँगी. उसके
बाद मैं शुरू करूँगी मेरी आई मेकअप. सो फर्स्ट मैं एक स्पूली की मदद से अपनी आईब्रोज को कॉम कर लूँगी अच्छी तरह से. ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेप आपके आईब्रोज को एक परफेक्ट शेप भी प्रोवाइड करती है और एक्सेस पाउडर को रिमूव करने में भी मदद करती है. आईब्रोज को फिल करने के लिए इसे पहले एक अच्छी शेप देना ज़रूरी है. मैं लगाऊंगी आईब्रो के लिए शिवाना मेकअप स्टूडियो के लिए आईब्रो किट. इस आईब्रो किट से मैं ये जो डार्कर ब्राउन शेड है इस शेड को लूँगी. रिसेंटली मैंने एक फुल आईब्रो ट्यूटोरियल शेयर की है आप लोगों के साथ. अगर आप मिस कर चुके हो देन डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, एक बार चेक कर ले. मिस रोज की इस प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट से इस ब्यूटीफुल सी पिंक के पीच कलर की जो शेड है इस शेड को लूंगी. मैं ETS बाम इस जो भी रॉकस्टार पैलेट से ये जो ब्यूटीफुल सी पिगमेंटेड मैट शेडो है इसका नाम है एलिस कॉपर, इस कॉपर शेड को लूंगी. सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर में फोकस करूंगी. अगेन मैं इस ABS के पैलेट से इस शेड को लूंगी, ये वाली शेड को. ABS की इस सेम पैलेट से ये जो हाइलाइटिंग शेड है गोल्डन शीन वाली ये जो शेड है इस शेड को लगाऊंगी और अपने इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी और ब्राउ बोर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए भी लगाऊंगी. तो मैं ADS की इस सेम पैलेट से इस क्रॉपर शेड को लूंगी और इस कॉपर शेड को अपनी लोअर लैश लाइन में भी लगाऊंगी. अब मैं फेसेस की इस काजल पेंसिल को लूंगी और अपनी अपर वाटर लाइन में लगाऊंगी. मैं इस सेम पेंसिल को लगाऊंगी एज अ आईलाइनर और लगा के स्मच करूंगी, बट हल्के से लगाऊंगी, ज्यादा डीप नहीं लगाऊंगी, ज्यादा थिक स्ट्रोक नहीं लगाऊंगी, थिन स्ट्रोक ही लगाऊंगी. मैं अपने के हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा को लगाऊंगी.
क्लियर की इस शेप योर फेस कंट्रोल ब्लशर हाईलाइट पेंट से फर्स्ट इस कंट्रोल शेप को लूंगी। अब अपने नोज को कंट्रोल करूंगी। अब मैं मिस क्लियर की इस सिंगल ब्लशर को लूंगी और इसका नंबर है 07। अब इस सेम पैलेट से हाइलाइटर शेड को लूंगी और एक फैन ब्रश की मदद से लगाऊंगी। सो अब मैं मेरी ट्रायंगल लिपस्टिक को लूंगी और इसका नंबर है 20 परफेक्ट कलर डिलक्स लिपस्टिक के एक अनकॉमन से कलर है, डार्किश कलर है ये। गाइस दैट्स ऑल, दिस इज माय इंटायर लुक। होपफुली ये फुल फेस मेकअप लुक आपको काफी पसंद आई है। डेफिनेटली इस मॉडर्न मेकअप लुक को क्रिएट कीजिए बिकॉज बहुत सारा प्रोडक्ट आपको नहीं लग रही है। अगर कोई भी इवनिंग पार्टी वगैरह में आप जाना चाहते हो तब भी ये लुक परफेक्ट है। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून एट माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।